ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा इसमें गलत बात क्या है, इस घर पे आखिर मेरा भी तो हक है ना। कोई हक नहीं है, तुम मेजबान बनने की कोशिश मत करो, मेहमान है इस घर में। ए हलता, ठीक है मैं अपने अदा से खुद ही बोल दूंगा, खुद ही दिला देगा। अरे बाबा क्या हो गया है, क्यों सुबह सुबह लड़ रहे हो बाबा? सुबह सुबह दोपहर के 2 बज रहे हैं बच्चू। अरे बाबा सोने वाला इंसान शाम के 5 बजे भी उठे तो उसके लिए तो सुबह ही होगी ना। अदा अभी 5 बजने में जो ना 3 घंटे रहते, ऐसा करो तुम जाके सो जाओ। अरे बाबा छोड़ो इसको, ये बताओ कि बात क्या है। अदा मेरा मोबाइल खराब हो गया, मेरे को मोबाइल चाहिए। तुम्हारी इस बहन को नया मोबाइल फोन चाहिए। अदा वो पुराना हो गया है। क्यों बाबा उसके सफेद बाल निकल आए? अरे नहीं बाबा वो हंग कर रहा है इसलिए तंग कर रहा है। हंग नहीं होता जरीना, हैंग होता है। अरे सीमा बाबा एक तो तुम हमारी अंग्रेजी का बहुत ही मजाक उड़ाते, और तुम दोनों मिलके जो अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हो वो। अरे पापा ये अंग्रेजी उर्दू को छोड़ो, बोला मेरे को मोबाइल लेके दो। हाँ पापा ले लो, किसने मना किया, पैसे है तेरे पास? नहीं है पैसे इसके पास, वही तो मांग रही है। अरे देखो बाबा, बाबा जरीना मुझे इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अरे बाबा मजाक नहीं करे, मैं सच बोल रही हूँ। अरे बाबा मैं तो मजाक ही समझ रहा हूँ ना, सिवा मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम। अरे बुद्धू तो सही, जोर जा गुलाम, एक मोबाइल दो टके का मोबाइल लेके देते। अबे यार थक गया हूँ यार काम कर करके। हाँ तू आ जा, चलेंगे दोनों। हाँ फिल्म कोई अच्छी से देखेंगे, बड़ी अच्छी आनी पाकिस्तानी फिल्म है यार। हाँ चल ठीक है आ जा, आ जा तू शाम में आना। ओके ओके यार। अस्सलाम वालेकुम जानी भाई। वालेकुम सलाम, पहचाना? क्यों लाश हो तुम? अरे भाई मैं नबील, याद आया? नबील कौन? नबील ज्यादा चलाक नहीं मानो, एक हफ्ते पहले पेट्रोल के लिए 1000 रुपए लिए थे, याद आया? 1000 रुपए पेट्रोल? भाई मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। तो फिर पैसे क्यों लिए थे? याद आया मुझे यार। नबील मैं आजकल बहुत परेशान हूँ, नौकरी नहीं मिल रही। क्यों? एक बार ढूंढ लेना ना। हैं? अरे यार देख बच्चे भी नहीं हो रहे। क्यों? शादी होगी तो होंगे ना। ओ भाई क्या बोल रहे हो, देख 3 दिन से रोटी नहीं खाई। क्यों भाई? चावल खा रहा हूँ ना आजकल। हैं? हाँ और देख डाकू, मुझे लगता है मोबाइल छीनने आ रहा है। चल निकल नबील, तू निकल। अरे बाबा क्या मसला है, एक शॉपिंग की जिद कर रही है तो एक कहती है मोबाइल दे दिलाओ, दिमाग सही है तुम दोनों का? बच्चू बीवी की बात मानना आपका फर्ज है। और बाबा बहन की? तो बिला वजह का फर्ज है। हेलो सीमा। अरे नायला तुम अचानक, खैरियत बिना बताए आ गई। बैठो बैठो। मुझे अपनी शादी का इनविटेशन देना था इसलिए आई हूँ, ये लो। वाह वाह मुबारक हो, कब की है? अरे बाबा आपकी भी शादी हो रही है? क्यों नहीं हो सकती क्या, मैं क्या स्टील की बनी हूँ? हम जरूर आएंगे नायला। हाँ जरूर आना, लिफाफा जरा भारी होना चाहिए। हाँ बाबा ठीक है, हम उसमें पत्थर डाल के दे देंगे, भारी हो जाएगा। बहुत मजाक करते हैं। नहीं नहीं बाबा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो भारी वाला पत्थर है ना संगमरमर का, वो सही रहेगा ना। अच्छा सीमा क्या पहनोगी मेरी बारात में? मैं अभी वही लेने जा रही थी, शिफॉन का कुछ पहनूंगी। बच्चू साहब आप भी जरूर आइएगा। हाँ बाबा मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि दूल्हा मैं बनूंगा। जी अरे बाबा मेरा मतलब है कि मैं दूल्हा के साथ बैठूंगा। दूल्हा के साथ तो नायला बैठेगी ना। अरे बाबा तो मैं नायला के साथ बैठ जाऊंगा। दूल्हा तो मेरे साथ बैठेगा। अच्छा बाबा तो फिर मैं कहाँ बैठूंगा? तुम कुल्फी के साथ बैठना, गोली के तौर पर। अच्छा सीमा मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जरूर आना। हाँ हाँ हम जरूर आएंगे। ओके बाय।
भी लेना पड़ेगा इसके लिए। अरे बाबा बात की तो है, भारी देना ना, पत्थर डाल दे। बच्चों हद करते हैं, नाम नहीं लिखना, पता नहीं चलेगा। जानी जी, ये चोरों चकों की तरह कहाँ जा रहे हो? अंदर। अच्छा बैठो इधर। मैं? हाँ बैठो। इस बैग में क्या है? अरे कुछ भी नहीं है, बस घर का सामान है बस। घर में भी तो बहुत सामान है, पर इस बैग में क्या है? अरे भाई कुछ नहीं है इसमें। देखो जानी, मैं देख रही हूँ तुम्हारे चेहरे पे ना फिटकार बरस रही है, दाल में जरूर कुछ काला है और ये बैग भी काला है, बता रही हो? मिशोर में जाऊँ? चुप चुप, एक शर्त पे बताऊंगा, किसी को भी कुछ नहीं बताना। अच्छा चलो ठीक है, मैं वादा करती हूँ शहर से ये बात बाहर नहीं जाएगी। बताओ। बाहर से ये बैग मुझे मिला है, लाखों रुपए के मोबाइल है इसमें, एक से बढ़कर एक। अरे जानी ये पर लोग करोड़पति हो गए। लाखों की चीज मिली है, करोड़ कैसे? अरे बाबा लाखों के मुनाफे से ही तो बंदा करोड़पति बनता है। चरिया वाह 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 वा, इन कामों में कैसा दिमाग चल रहा तुम्हारा। अरे जानी मुझे भी मोबाइल चाहिए था। सब ठीक है लेकिन कहीं हम फंस ना जाएं। क्यों भाई? देखो ना इतने सारे मोबाइल एक साथ बेचेंगे, पकड़े जाने का डर भी तो है ना। अरे चले तो नहीं हो गए, अपन लोग ऐसा करेंगे कि अपन के जानने वाले जो ना उन लोगों को मोबाइल बेच देंगे। गुड आइडिया, ये अच्छी है, ये अच्छा। अच्छा चलो बोला ठीक है ना, अभी मेरे को एक महंगा सा मोबाइल दे दो ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा सा मोबाइल ढूंढ दो। ये महंगा वाला, ये रखो। बहुत बहुत शुक्रिया जानी, इस मोबाइल से ना तुम देख लेना, मैं वो तुरई की शक्ल वाली जो मेरे भाजाई ने उसको दिखा दिखा के जलाऊंगी। अरे भाई तुम जलाओ या उबालो, हमें इससे क्या। चलो मैं चलता हूँ। जानी तेरे ख्वाहिश पूरी की। कोई बात कसम खुदा कसम डांडो सुटोई, अब बताऊंगी मैं तेरे को सीमा की बची। चलता कैसे बला? अरे इसका पासवर्ड क्या है बला? बच्चू ये बिना वजह जिद करिए, कोई जरूरत नहीं नया मोबाइल दिलाने की। अरे बाबा आधी है मेरी, कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर मुझे भी शॉपिंग करानी होगी। अरे बाबा आप तो करती रहती है शॉपिंग, रोज ही करती हैं। वाह, अरे आप लोग यहाँ बैठे और मैं आपको बाहर ढूंढ रहा हूँ। बोलो बाबा क्या बात है? वो असल में आप लोग कहते थे ना कि मैं कुछ नहीं करता आप लोगों के लिए, तो इस दफा मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँ। अच्छा क्या करना चाहते हो? बच्चू भाई ये आपके लिए, और सीमा मैडम ये आपके लिए। हाय हाय जबरदस्त ब्रांड न्यू, ये ले, ये मेरी तरफ से सालगिरह का गिफ्ट। लेकिन जानी हमारी सालगिरह तो नहीं है अभी। कल का क्या भरोसा, पता नहीं हो ना हो। अल्लाह ना करे जानी, कैसी बातें कर रहे हो? अरे नहीं बाबा मेरी तो दुआ है बाबा, तुम्हारी उम्र भी हमें लग जाए। बंदा बात तो कम से कम अच्छी कर लेता है। अरे बाबा मेरा मतलब है बिना वजह जी कर क्या करोगे? क्या हो गया बच्चू, एक तो उसने हमें मोबाइल गिफ्ट किया और आपके मरने की बात कर रहे हैं। कितनी अच्छी आप। अरे नहीं बाबा बहुत अच्छा गिफ्ट है, बहुत अच्छा गिफ्ट है। वैसे जानी ये गिफ्ट आया कहाँ से, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे आप आम खाए गुठलियाँ क्यों गिन रही है? अरे बाबा हम लोगों को बताएंगे कि हमें जानी ने गिफ्ट किया है, ऐसे होते हैं नौकर। नहीं 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 ऐसे नहीं, किसी को नहीं बताना आपने। क्यों क्यों ना बताए, चोरी का है क्या? हाँ नहीं चोरी के, चोरी के थोड़ी है। अब देखे ना फिर हर कोई कहेगा मुझे भी गिफ्ट दो, कहाँ से दूंगा। अच्छा बाबा ठीक है ठीक है। अच्छा चलो जाओ बाबा जाओ, बस फ्री नहीं होगा। मैं तुम्हें तरीका बता दूं, महंगा वाला है ना। आता है मुझे तरीका। बाबा इसका पासवर्ड बताओ, पासवर्ड लगाए। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे वाह कितनी साफ सुथरी और कितनी खूबसूरत तस्वीर आ रही है मेरी। मेरे जो दुआ की फौरन से पूरी हो गई, पर मैं कुछ और भी मांग लेती तो और फायदा हो जाता, लेकिन नहीं भला ये भी अच्छा है। अच्छा इस बोर्डम को आने दो, चलाऊंगी। देखो तुम क्या समझती हो कि मैं नया मोबाइल नहीं ले सकती? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये करतब क्यों दिखा रही हो? किसी सर्कस में काम शुरू किया है क्या?
अरे देख नहीं रही है क्या, मैंने नया मोबाइल लिया है। मोबाइल तो मेरा है नया, वो भी तुमसे महंगे वाला। हाँ चोरी का होगा, लेकिन ये तो मुझे जानी ने गिफ्ट किया है। ये मोबाइल तुम्हें जानी ने गिफ्ट किया है? हाँ। मुझे और बच्चों को भी जानी ने गिफ्ट किया है। अच्छा भला कब? जरीना सोचने वाली बात है, इतने सारे मोबाइल जानी के पास आए कहाँ से? आ पापा मेरे को क्या पता, खुद ही जाके पूछ लो। ये जानी है कहाँ पर? अरे होगा यही, उसने भला कहाँ जाना है। अच्छा ठीक है, तुम निकलो मेरे कमरे से। भाई वो तो जलती हो तुम, कन्फर्म हो गया मुझे मजीद। लेकिन सोचने की बात है, जानी के पास इतने महंगे मोबाइल आए कहाँ से? मैं खुद ही जाके पूछती हूँ उससे मामला क्या है। अरे भाई अब कौन आ गया? लेकिन मैं आधे से भी कम कीमत में दे रहा हूँ, कोई फॉल्ट तो नहीं है ना? अरे नहीं भाई, ये बहुत अच्छा लड़का है। अरे मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ। अरे कोई फॉल्ट नहीं है, एकदम कंचा पीस। अरे भाई लेकिन ये मोबाइल कंचा मोबाइल तुम्हारे पास आए कहाँ से? दुबई से लौट तेरे भाई ने मंगवाई है। भाई मोबाइल दुबई के? दुबई के। अच्छा फिर तो अरबी भी बोलते होगे। अरे शौकत भाई मोबाइल में सारी जबानें होती हैं। अरे कहाँ सारी जबानें होती है, इतनी ढूंढी है मैंने, मेमनी तो मिल नहीं रही मुझे। अच्छा ये बता कितने सेट दो? अच्छा एक मेरा कर दो और एक इसका कर दो। नहीं मेरे दो कर दे। क्यों भाई? एक मेरी मंगेतर के लिए भी। हाँ हाँ दे दो दे दो। और बात सुनो, सिम मैं दूंगा, वो सिम उसमें लगाना क्योंकि तुम्हारी मंगेतर के पास मेरा नंबर होना चाहिए। भाई कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ सकती है। क्यों भाई? नहीं बस मेरा है, काफी है। यार देखो तो बिना वजह शक कर रहे हो। अरे यार अपने मसले बाद में सुलझाना, मेरे पास तो लाओ। हाँ हाँ भाई ये लो, ये 10,000 रुपए मेरे। अरे 20 मेरे। ये लो भैया, ये लो शौकत भाई, ये आपका, ये लो, ये मानी भाई आपका, ये लो, ये अच्छा वाला मंगेतर को ये वाला देना, इसकी फोटो बहुत अच्छी आती है। ये लो, चलो भाई चलो। अच्छा तुम्हारी मंगेतर के पास मेरा नंबर है ना, सब जा करो, कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ सकती है। क्यों भाई? चलो यार आप चलो यार। चल चल चलो चलो। हेलो हेलो बोल रहे कुछ? अरे भाई इसमें सिम तो डालो यार। अच्छा अच्छा सिम डाली नहीं, खुशी से पागल हो गया। हाय 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 जानी मजा आ गया। बच्चू क्या देख रहे हो मोबाइल में जो इतना हंस रहे हो? अरे बाबा शादी की वीडियो देख रहा हूँ, उसमें दूल्हे को देख के मुझे हंसी आ रही है। क्यों? अरे बाबा उसको पता ही नहीं बेचारों को कि उसके साथ होने क्या वाला है। अच्छा इसे छोड़ो बच्चू, जानी के पास ना पता नहीं कहाँ से इतने सारे मोबाइल आ गए, सबको बांट रहा है। त्रिना को भी गिफ्ट किया है उसने। अरे बाबा की चोरी के मोबाइल तो नहीं है? पता नहीं, ये तो तुम पता लगाओगे ना कि इतने सारे मोबाइल इसके पास आए कहां से। अच्छा बाबा उसने जरीना को दिया है ना, उसको पता होगा कि कहां से आए। मैं पूछता हूँ। जरीना, वाह जरीना। ओ जी ये था। क्या है भला, स्टेटस देख रही थी, तुमने बुला लिया। अरे बाबा ये मोबाइल कहाँ से आया तेरे पास? अरे जानी ने मेरे को तोहफे में दिया है। और जानी के पास ये सारे मोबाइल कहाँ से आए? मुझे क्या पता। अच्छा बाबा सही सही बता दे, वरना पुलिस हम सबको उठा के ले जाएगी। हाँ और तुम्हें सुबह 9 बजे फांसी भी हो जाएगी। अरे बाबा मेरे को नहीं पता, खुद ही जाके पूछो। देखो बाबा नहीं बता रही है ना, ठीक है मैं पुलिस को फोन करता हूँ। अब अच्छा ठीक है सुनो सही। वो अब जानी को ना काले कलर का एक बैग मिला और उसमें बहुत सारे कीमती मोबाइल भी थे, इसलिए मैंने जानी से बोला और उसने मुझे गिफ्ट कर दिया। देखा 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 बच्चू, मैं कहती थी ना जरूर ये चोरी के हैं। अरे बाबा ये जानी है किधर, ये हमें मरवाएगा। मैं देखूं किधर है जानी। आज गिफ्ट लेके घूम रही थी ना जानी का, अब लगेगा पता। तुम सदा ही मेरे दुश्मन रही हो। मोबाइल चाहिए? कौन कौन से सेट हैं आपके पास? अरे जो कहो हर किस्म का सेट मिल जाएगा तुमको।
वैसे इतने अच्छे अच्छे और महंगे मोबाइल आप मंगवाते कहाँ से? हमारे तो कंटेनर है जी, दिन रात कंटेनर उतरते हैं। मोबाइल के? चावलों के। अबे मोबाइल की बात चल रही है तो मोबाइल के ही उतरेंगे ना। कितने सेट चाहिए? वैसे जितने हैं सारे के सारे दे दो। स्मगलर है क्या आप? मेरा मतलब है नहीं, सारे नहीं दे सकता, हमारे भी कस्टमर है, उनको भी देना होता है, थोड़े से दे दूंगा। अच्छा भैया एक काम करें आप, जल्दी से आप दोनों अपने नाम लिखवा दें। हाँ। मैं शानी और ये शन्नो। शानी और दोनों बहन भाई हो क्या? ओए हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अच्छा नाम से ऐसा लग रहा था कि बहन भाई, लगता है जल्दी में शादी की है। चलो खैर कोई बात। हाँ हाँ इस टाइम पे कौन आ गया? आप दोनों बैठे मैं देख क्या। हमारा शक सही निकला, मोबाइल का बैग ना इन्हीं लोगों के पास है। किसी तरह ये पता करना पड़ेगा कि वो बैग है किधर। अरे बाबा आप लोग कौन है? मैं शन्नो और ये शानी, वो हम ना जानी से मोबाइल खरीदने आए थे। आपको किसने कहा कि जानी मोबाइल का काम करता है? मोबाइल शौकत भाई और मानी भाई मिले थे, उन्होंने बताया। अरे बाबा एक बात बताऊं, जानी से मोबाइल मत खरीदना बाबा, सारे मोबाइल चोरी के हैं। ओहो ये तो बहुत खतरे की बात है, ऐसे तो आपके घर में पुलिस आ जाएगी और हम सब फंस जाएंगे। अरे बाबा अब क्या करें? आप ऐसा करें कि वो उस बैग हमें लाकर दे दे, हम जाके कहीं और छुपा देते हैं। हाँ बाबा ये ठीक है, मैं अभी लेकर आया। बन गया ना काम। यस। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हाय हाँ जी खान साहब। हाँ को छोड़ो मोड़ा, चौकीदारी का पैसा निकालो। अबे यार तुम चौकीदारी को छोड़ो, ये बताओ मोबाइल चाहिए? नहीं नहीं मोबाइल हम लेगा तो पुलिस वाला किस पे बैठेगा? ओहो मैं वो वाले मोबाइल की बात नहीं कर रहा, फोन जिसपे बात करते हैं वो। कौन सा मोबाइल? टच मोबाइल, 30,000 है वैसे उसकी कीमत, लेकिन तुम्हें मैं 10 में दे दूंगा, क्या याद करोगे? क्यों बस सभी बेच लिए, आखिर में एक दो रह गए। बड़ा तुम मोबाइल बेच रहे कि केले बेच रहे जो खत्म हो रहे। बात सुनिए अपनी पक पक बंद कर, चाहिए तो बता। अच्छा ठीक है दियो, कितने का? चल निकाल पैसे 10,000। ठीक है ये वाला रखो, ये लो 5,000 रुपया, 5,000 रुपया चौकीदारी में कट हो गया। चलो ठीक है चलो ओके। ये लो ये बैग। अरे बाबा, अरे बाबा इसमें तो सारे महंगे वाले मोबाइल हैं, अच्छे वाले बाबा। अब बच्चों जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। हाँ बाबा इसमें जो ना मेरा और अपना वाला भी रख। हाँ ये लो। लाओ बाबा लाओ। ज़रीना तुम भी दो अपना फोन। अब बाबा मैं क्यों दूँ, ये तो भला मेरा है। अरे ज़रीना याद कर बाबा, जेल चक्की छितर बाजी। ये लो बाबा, मेरे को तो बहुत दुख हो रहा है। जानी पर? अरे नहीं मेरे मोबाइल पर। अरे बाबा चोरी के माल पे अफसोस नहीं करते? चोरी पे भी तो बताए थे नहीं मेहनत करता, पर देखो मेरे को मेहनत पे तो अफसोस हो रहा है। कोई मुश्किल से नहीं आया था, चोरी का मोबाइल था, आसानी से आया था। और बस बच्चों इसे जल्दी से लेके साइड पे जाओ। बाबा मैं आता हूँ। अरे भाई एक तो बहुत बिजी रहता हूँ मैं तो, सारा दिन काम ही काम। लाइए पेमेंट लाइए। बाहर कौन था? कस्टमर था बाबा। ये लो बाबा शन्नो शानी तुम्हारा बैग आ गया। बैग बैग मिल गया। बच्चों भाई ये तो मेरा बैग था, इनको क्यों दे रहे हैं आप? ओए ये हमारा बैग है, इसी की तलाश में ना हम यहाँ आए थे। और हाँ हम कस्टमर नहीं डाकू है, डाकू। हमने अपना बैग पुलिस वाले से छुपा कर रखा और ये तेरे हाथ लग गया। शानी निकलो यहाँ से। खबरदार अपनी जगह से कोई नहीं लेगा। शानी और शन्नो पुलिस को तो बहुत अरसे से तुम्हारी तलाश थी, निकालो मोबाइल की तरह। चलो कोई बात नहीं, सामान और चोर तो पकड़े गए ना। अरे ये तो बच्चू भाई का है। अरे नहीं बाबा ये मेरा नहीं, जाने का है। अरे नहीं बच्चू भाई का। नहीं बाबा मेरा नहीं है, जाने का है। अरे बला तुम लोग अपनी ये इन्वेस्टमेंट करना छोड़ो ना, खाना निकालो। इन्वेस्टमेंट? अरे बाबा वो पुलिस वाले करते ना पूछताछ पाछताछ। ओहो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन होता है। अरे ये तो कोयला खा रहे हैं आप लोग। ये कोयला नहीं है जानी,
ये चावल है जो कोयला बन गए हैं। बच्चू भाई क्या तेजाबी हाथ है आपके, चावल को भी हाथ लगाया जल के कोयला हो गए। अरे बच्चू क्या हो गया आपको, वो कोयला कढ़ाई बना रहा है उसमें कोयला नहीं होगा। बाबा ये क्या बात कर दी आपने, ये तो वही बात हो गई कि आलू गोश्त बनाए तो उसमें आलू गोश्त नहीं होगा, चिकन कढ़ाई बनाई तो उसमें चिकन नहीं होगी। मैं समझ गई जानी, कढ़ाई में कोयला जरूर डालना। और सीमा मैडम आपके इतने आसानात मुझ पर है, बोले तो मैं खुद पागल खाने में जमा हो जाता हूँ, लेकिन इस तरह मुझे पागल मत बनाए, अच्छी बात थोड़ी है। अगर तुम मेरे मैनेजर होते ना तो तुमको इंग्लिश भी सीखने को मिलती, इस बोर्डम के साथ रह के ना तुमको खाना बनाना भी भूल गया है। सच बात तो यह है कि मैं तुम्हारे मुंह लग के ना अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। अब ठीक है, अब देखती हूँ कि जानी की शादी किससे होगी। बोले इम्प्रोवाइज़ नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।